हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप सब लोग बढ़िया हो। वेलकम टू अनदर वीडियो। देखो भाई लोग, न्यू पैच आ गया और इस पैच में बहुत सारे पोकेमोन को बाप और नाप मिला है। वैसा ही एक पोकेमोन को खतरनाक बाप मिला है। वो एक ऑलराउंडर पोकेमोन है, उसका नेम है टायरेंटिया। बहुत मेटा के बाद इस मेटा में इसको बाप मिला है। आज बताएंगे टायरेंटिया का ब्रोकन बिल्ड। देखो टायरेंटियर ऐसा ही पोकेमोन है, थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला पोकेमोन है। अगर इसका साथ मैच में उतरे तो थोड़ा सा टाइम रखना पड़ेगा इसके लिए। तो इसका जो लेवल अप है उसमें जो लेवल होता है वो लेवल में थोड़ा सा बांधने में टाइम लगता है। एक लेवल से अलग लेवल क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसा नहीं है जल्दी जल्दी लेवल अप हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। कुछ भी करके तुमको लेवल 8 क्रॉस करना है पास, तो बस देखना टायरेंटियर क्या ही बन जाता है। वैसे भी लेवल 5 में एक मूव मिल ही जाता है, वो भी अच्छा है, बट इसका पावर देखने है तो तुमको लेवल 8 क्रॉस करना ही पड़ेगा, वो भी जल्दी से जल्दी। अब देखो, अब कुछ गेम प्ले का बात करें तो हम इधर में पोकेमोन यूनाइट में जो न्यू फीचर्स दिया वो हम ट्राई किया है, और भाई इधर में थोड़ा सा उल्टा ही चीज हो गया है। मीन्स जो सेव रिप्ले होता है ना, हम उसको सेव करके उसका बाद उसको रिकॉर्डिंग किया है। इधर में हमको इन लोग पूरा ओपोनेंट में डाल दिया यार, मतलब रेड टीम जो है वो हम लोग का टीम है। ये थोड़ा सा दिक्कतें हो गया, बट वीडियो क्वालिटी एकदम सही है। चलो आप आते हैं टायरेंटियर का ब्रोकन बिल्ड का तरफ। पहले बता देते हैं बेस्ट मूव सेट क्या है। तो टायरेंटियर का अभी बेस्ट मूव सेट चल रहा है स्टोन एज प्लस स्टैंटॉम। और नेक्स्ट आते हैं टायरेंटियर का बेस्ट हेल आइटम का तरफ। और बेस्ट हेल आइटम है मसल बैंड, फोकस बैंड, वीकनेस पॉलिसी। नेक्स्ट बेस्ट बैटल आइटम, तो हम तो यूज करते हैं पोशन जो मेरे को बेस्ट लगते हैं। नेक्स्ट है टायरेंटियर का बेस्ट एम्बलेंस। तो इधर में 6 ब्राउन और 4 व्हाइट लेके चलो। तो यही था टायरेंटियर का ब्रोकन बिल्ड जो अभी के लिए बाप में चल रहा है। बस एक ही सजेशन दूंगा, टायरेंटियर को 5 मिनट से पहले इसको लेवल 8 में पहुंचा दो, उसका बाद आपने आप पावर बात कराएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, टाटा।